हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है पाइनएप्पल यानी कि अनानास का जूस। जैसे कि आप मेरा देख रहे हैं, मैंने पाइनएप्पल को लेके इसको छिलवा लिया, छील के और इस तरह से मुझे पीसेस कट करने हैं भी छोटे छोटे से। दोस्तों, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये मैंने पाइनएप्पल रखा है और इसको मैंने छिलवा दिया था। इसके मुझे ऐसे स्लाइस कट करने हैं और इसके मुझे ये देख रहे हैं ऐसे मैंने स्लाइस कट कर लेंगे। इसके छोटे छोटे से मैं स्लाइस कट कर लेती हूँ। तो दोस्तों, मैंने इसको छोटे छोटे देख रहे हैं आप, इसको मैंने मोटा मोटा छोटा ऐसे रफली इसको कट कर लिया है। दोस्तों, आप इसको नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि इसमें भी पी सकते हैं, व्रत यानी फास्ट भी पी सकते हैं और आप इसको ऐसे भी बना के घर में पी सकते हैं। बच्चों को भी बहुत पसंद आता है ये और ये बड़ों को भी, और जैसे कि ये सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद जूस है। तो मैं इसे स्टार्ट कर रही हूँ। अब मुझे लेना है एक मिक्सी का जार और मैं ये सारे जो मैंने कट किए हैं पीसेस इसको मैं डाल दूंगी इसमें। तो दोस्तों, मैंने इसमें सारा पाइनएप्पल डाल दिया है जैसे कि आप देख रहे हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। तो चीनी आप कितना मीठा लेते हैं उस हिसाब से लेंगे। और मैं इसमें डालने जा रही हूँ चार और एक ये पाँच चम्मच मैंने ये लिए हैं और ये मैंने 5 चम्मच चीनी डाल दी है इसमें। और अब मैं इसमें डालूंगी पानी डालूंगी मैं इसमें करीबन 1 से 1.5 ग्लास के बीच में, यानी कि बस। और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ थोड़ा सा काला नमक जाएगा। और काला नमक अगर आप इसको फास्ट में पीने के लिए बना रहे हैं तो आप इसको अवॉइड कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद नहीं है इसका टेस्ट है काला नमक का तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। मुझे इसमें काला नमक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसमें डाल, देख रहे हैं आप कितना ज़रा सा लिया है मैंने इसमें, ये देखिए इसमें ज़रा सा काला नमक जाएगा। तो दोस्तों, मैंने इसको पीस लिया है जैसे कि आप ये देख रहे हैं। और वैसे तो मैंने काफ़ी महीन पीसा है और इसमें गुलठी नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसमें मेरे अगर टुकड़े से जो उसके रह जाते हैं पाइनएप्पल के, तो आप इसको छान भी सकते हैं, पर मेरा तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ है। तो अब मैं इसको गिलास में निकाल लेती हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी ये आइस क्यूब। और अब मैं इसको डेकोरेट करूंगी ये पाइनएप्पल से। इसको मैं पाइनएप्पल से डेकोरेट करती हूँ ऐसे। और अब मैं इसको कुछ मिंट लीफ से गार्निश करूंगी। दोस्तों, मेरा ये तो तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है और अगर ये जूस पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग जूस कैसा लगा आपको। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।